नमस्कार, मैं हूं प्रियंका, आप देख रहे हैं वीटीवी भारत। खबर उन्नाव से है, जहां विधानसभा चुनाव में नामांकन कराने गया एक ऐसा शख्स सामने आया जो 20 वर्ष पहले ही मर चुका है। वहीं आज जब उसका नामांकन निरस्त किया गया तो युवक ने जमकर हंगामा किया। आपको बता दें कि संतोष कुमार बनारस के रहने वाले हैं और जनसंघ पार्टी से महराजपुर विधानसभा से उन्होंने नामांकन भी कराया था, लेकिन आज उनका नामांकन निरस्त कर दिया गया, जिसके बाद वो वहां पर धरने पर बैठ गए और हंगामा करना शुरू कर दिया। संतोष कुमार ने कहा कि सरकार द्वारा उन्हें 20 वर्ष पहले मृत घोषित कर दिया गया था और उनकी जमीन भी हड़प ली गई थी। हालांकि उन्होंने अपनी आवाज उठाने के लिए दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना भी दिया, लेकिन अफसोस ये हुआ कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। गौरतलब है कि उनकी पूरी जानकारी भी गूगल में पड़ी है और इस दौरान उनके ऊपर एक फिल्म भी बनाई गई है जिसका नाम कागज था, लेकिन आज तक वह मैं जिंदा हूँ की तख्ती गले में टांग कर न्याय की गुहार लगा रहे हैं। सर्वप्रथम आप लोगों को प्रणाम, लोकतंत्र के चौथा स्तंभ मीडिया को, जनता जनार्दन को। हमारा नाम संतोष मूरत सिंह है और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट डिक्लेयर्स मी डेड बट मैं जिंदा हूँ। 20 वर्षों से अपने आप को जीवित घोषित करने के लिए तमाम जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन आज तक सरकार के कानों पे जू नहीं रेंगा है। और अभी हम नामांकन भरने के लिए कानपुर के धरती पर आए हैं और यहाँ हमने नामांकन भी कल किया और आज हमको ये कहकर रिटर्न भेज दिया जाता है कि आप जहाँ पे मरे हो वहीं पे जाके आप नामांकन भरो, वहीं से जिंदा हो गए हो जाओगे, यहाँ क्यों मरने के लिए चले आए? ये बताइए, लोकतंत्र है कि षड्यंत्र है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है कि विपक्षी लोग जो है उन लोगों का दबाव है, इसलिए हमारा पर्चा कैंसिल कर दिया गया। हमारे साथ यहाँ भी अन्याय हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? कितने दिनों से आप जो कागज में मरे हुए हो, क्या हुआ? 20 वर्षों से साहब, सर्च मी ऑन गूगल, डेड मैन अलाइव संतोष मूरत सिंह। आप हमारे 20 वर्षों का संघर्ष गूगल पे भी देख सकते हैं, हमारे जीवन पे सलमान खान साहब भी मूवी बना के जीवन हमारा, व्यवसाय तुम्हारा कागज फिल्म बना के कर दिए हैं और गांव में जमीन हमारी, कब्जा तुम्हारा, हमें मृतक दिखा के हमारे दयात पड़दार लोग वहाँ हड़प लिए हैं और हम गले में तख्ती लगा के 20 वर्षों से दिल्ली के जंतर मंतर पे अनिश्चितकालीन धरना रस रहे हैं, वहाँ से तिहाड़ जेल जो भी हो सकता है हम करते आ रहे हैं, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। कौन सी पार्टी से आप चुनाव लड़ रहे थे, कहाँ से? जनसंघ पार्टी से हमें फर्स्ट टाइम टिकट मिला है। इससे पहले हम निर्दल नामांकन भरते आ रहे थे। जनसंघ पार्टी से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और हमें जो है कि महाराजपुर से जो है कि विधानसभा से जो है कि वो किया गया था और हमने नामांकन भी भरा, लेकिन हमारा नामांकन कैंसिल करके साहब हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब आप क्या करोगे? अब वही करेंगे, हर जोर जुलूम के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। और ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं ये मुर्दे से डरते हैं, इसलिए पुलिस को आगे करते हैं और अधिकारी लोग मिलजुल के सब, लोकतंत्र नहीं षड्यंत्र है, जनता जान रही है, जनता देख रही। कानपुर से फैजान हैदर नकवी की रिपोर्ट।